आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जनाब सर्दियों की सौगात, गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने गाजरें ली हैं 2.5 किलो, और उन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था, और ग्रेट करके उनको मैंने अभी अभी चूल्हे पर रखा है। ये 2.5 किलो गाजरों का मैं आज बना रही हूँ। तो चलें, अब हमने क्या करना है, ये बिल्कुल हमने क्या किया था जिस टाइम हमने गाजरें छीली थी, उनको धोया, उसके बाद उसको ग्रेट किया था। इससे ये होता है कि इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है, तो इसके अंदर इतना पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग गाजरें ग्रेट करने के बाद वॉश करेंगे या कुछ इस तरह, तो फिर उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन गाजरों में पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखें, बिल्कुल उस तरह से पानी नहीं छोड़ेंगी गाजरें। बहुत जल्दी और बहुत झटपट, और ऐसे बन जाता है कि आप झटपट देखते देखते ही बस ये हमारा जो गाजर का हलवा है ना, वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लेना है घी। मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 4 टेबलस्पून घी। देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो मैं यहाँ पर आम जो है, जो जिसे वेजिटेबल घी बोलते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये नीचे जाके थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और देखते ही देखते तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर, मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट में ही हमारा ये हलवा रेडी हो जाता है। हमें कोई इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करना। बस चले, इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डालना है इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 अदद इलायचियाँ ली थी, उनके बीज निकाल के ऐसे मोटा मोटा उन्हें कूट लिया था। तो यहाँ पर हम ये डाल रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो घी है वो मेल्ट हो जाए। चल, अब ये घी हमारा तकरीबन नीचे जा चुका है। इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 कप के जितना दूध है, और उसमें मैंने जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, तो वो भी हमने बीच में शामिल कर लिया है। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस अब हमने इसको भूनना है फुल हाई फ्लेम के ऊपर। थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे और फिर हम इसको दम लगा के छोड़ देंगे गाजरों के गलने तक। तो बस ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको रख रहे हैं, हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। तो मैं मिलती हूँ आपसे तकरीबन 5 मिनट बाद। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, कोई गाजरों ने पानी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखें कितना मज़े का, इसका कलर भी चेंज हो गया है, और जो मैंने दूध डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया। देखें बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर, मैंने घी भी बहुत कम डाला है, 2.5 किलो के हिसाब से 4 टेबलस्पून बहुत कम है। ठीक है जी, अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। ठीक है जी, इतनी अच्छे तरह से कि हम इसको चेक करते हैं कि ये चेंज हो चुका है। नहीं, अभी थोड़े से गली नहीं है, तो अभी हम इसको भूनेंगे अच्छे से। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसको भूनती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालना है जी देसी घी का। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून देसी घी मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद हो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाती हूँ मोस्टली जो है वो शक्कर में। शक्कर में बहुत अच्छा बनता है, हेल्दी भी होता है, नुकसान भी कोई नहीं होता। तो आजकल जो है वो शक्कर मिल नहीं रही है, क्योंकि आजकल बिलहाल गुड़ बन रहा है, तो शक्कर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो आज ये मैं चीनी में बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप शक्कर में बनाते हैं तो आप इसका कलर देखेंगे और आप कहेंगे कि वाओ, इसका फ्लेवर, इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। तो बस अब हमने इसको बस अब थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट अभी मज़ीद मैंने भुना है इसको, तो इसका कलर देखें चेंज हो गया और ये ऑलमोस्ट गल भी चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी चीनी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी, तो आप अपनी मर्ज़ी से डालें। तो मैं पूरी नहीं डालूँगी एक साथ, मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, ताकि मैं क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो बहुत तेज़ मीठा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये है भी चीनी, तो गुड़ में बनाती तो शायद, लेकिन चीनी जो है वो मैं कम ही डालूंगी।
बस अब हमने इसको भूनना है तब तक कि जब तक हमारी चीनी डिज़ोल्व होके इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। ठीक है जी, 5 मिनट और लगेंगे, फुल फ्लेम के ऊपर हम इसको भून रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना मज़े का इसका जो है वो कलर आ रहा है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा और कितना प्यारा इसका कलर चेंज हो चुका है। और गाजरें हमारी फुली जो है वो गल चुकी हैं, तो थोड़ी सी किशमिश मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, थोड़ी सी किशमिश डालूंगी जितनी आपको पसंद हो, और अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर चीज़ें डालें जो आपको पसंद हो। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम, थोड़े से बचाऊंगी गार्निश के लिए, थोड़ी सी किशमिश भी बचाऊंगी गार्निश के लिए। तो चलिए अब हमने इसको तब तक भूनना है, तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे फुल हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि ये हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से जो है वो शुगर इसके अंदर मिक्स हो जाए, और ये पानी जो शुगर ने छोड़ा है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो हार्डली जो है वो 20 मिनट्स लगे हैं पूरा हलवा रेडी होने में, तो हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आप चाहें तो इसमें खोया डाल लें, अगर आपके पास खोया, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए छोटी सी एक टिप है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये ठंडा होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना। तो यहाँ पर हमने लिया है मिल्क पाउडर, तो आप कोई सी भी कंपनी का ले लें, आप पर डिपेंड करता है, आप जौन सा भी चाहें आप वो वाला मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीडो यूज़ किया है, तो हम इसको इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे और छोड़ देंगे, हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ा है, अब हम इसको हिलाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह हमने बीच में खोया डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको हिलाना, बस हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तो ये बिल्कुल खोए के चंक्स की तरह बन जाते हैं इसके अंदर, तो ये एक बहुत अच्छा, देखें ये आपको लग रहा होगा जिस तरह मैंने इसके अंदर खोया डाला है। तो चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, और हार्डली 20 to 25 मिनट्स में ये रेडी हो गया है। मेरा ख्याल है 20 से मिनट ज़्यादा मिनट नहीं लगे, और बहुत लेस बजट में बनाया है, क्योंकि इसमें हमने खोया वगैरह, घी, ऑयल वगैरह कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत कम चीज़ें डाली हैं, और बहुत मज़े का बना हमारा गाजर का हलवा। तो चले मैं तो जा रही हूँ इसको इन्जॉय करने, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो चलें जी, इजाज़त दीजिए, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।